बैक टू माई चैनल ग्लैम विद उजाला। सो गाइज, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अगेन रीसेलिंग हॉल। ये वीडियो जो है ना, आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है, मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट भी आते हैं कि दी आप रीसेलिंग हॉल लेकर आओ। तो फिर से लेकर आ गई हूँ मैं आपके लिए रीसेलिंग हॉल, एंड मुझे बहुत अच्छे रिस्पॉन्स भी मिलते हैं इस वीडियो पर, ज़्यादा प्यार भी देते हो आप लोग इस वीडियो पर, तो मुझे भी मज़ा आता है शेयर करने में कि आप ना कुछ वेस्टर्न वेयर रीसेल करो। तो मेरे पास वेस्टर्न वेयर ज़्यादा है नहीं है, जो भी मैं टॉप्स वगैरह है वो वीडियोज़ में पहनती हूँ। तो मेरे पास एक टॉप निकली जो मुझे लगा कि ये मेरे यूज़ में नहीं है, क्योंकि मुझे उतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, बट बहुत लोगों को पसंद है, तो मैंने सोचा चलो इसको रीसेल कर देते हैं। एंड बहुत लोग कमेंट करते हैं कि दी हम इंस्टाग्राम यूज़ नहीं करते, तो हम कहाँ आपसे परचेजिंग कर सकते। तो आप मेरी मेल आईडी है, आप वहाँ मेल कर सकते हो मुझे, जो कि है businesswithujala@gmail.com। मैं यहाँ डाल दूंगी स्क्रीन पे, आप देख लेना। एंड्रिप्शन में सबसे एंड में आपको मेरी ईमेल आईडी मिल जाएगी, तो आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो। एंड जो भी आपको लेना हो ना, आप वहाँ मुझे मेल कर सकते हो। मैंने रीसेलिंग वीडियोस की ना एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी, अगर आपको कुछ भी और देखना हो तो आप वहाँ से देख सकते हो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, बट उससे पहले आपको करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब, जो कि बिल्कुल फ्री है, एंड पास में नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसे भी हिट कर लेना, ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एंड आपको मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना है, ताकि आप इंक्वायरी कर सको जो भी प्रोडक्ट आपको लेनी है उसके लिए। तो फर्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ ये टॉप। आपने देखा होगा मैं एक वीडियो में मैंने पहनकर हॉल शेयर किया था। तो ये कुछ इस तरह की है, ये कुछ इस तरह की टॉप है। और इसमें जो साइज है ना, मेंशन नहीं है, बट मुझे याद है ये एम साइज में है, फुल स्लीव के साथ है, बलून स्लीव मिल जाएंगे आपको इसमें, इस तरह के स्ट्रेचेबल मटेरियल मिल जाएगा। एंड ये जो है ना क्रॉप टॉप है, तो जो भी क्रॉप टॉप लवर है ना, एंड जिनकी भी साइज एस या एम है, वो ये ले सकते हैं, बहुत ही सुंदर लगने वाली है आपको। साइज मैं डाल दूंगी स्क्रीन पे, आप देख लेना, अगर आपको लेना हो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, ये अगेन रेड कलर में है, ये एक रेड कलर में कुर्ती सेट है। एंड बहुत लोग मुझे बोल रहे थे कि दी आप ना एल एक्सएल और डबल एक्सएल साइज की भी रीसेलिंग करो, तो मैं मोस्टली एल या एम साइज में लेती हूँ प्रोडक्ट, क्योंकि यही दोनों साइज मुझे आते हैं। एम में मैं इसलिए लेती हूँ कि एम मेरी साइज है, एंड एम कभी कभी नहीं होते तो मैं एल ले लेती हूँ, क्योंकि उसमें मैं हल्की फुल्की पिनअप करके आपको दिखा सकती हूँ। बट एल और एक्सएल लेने के बाद क्या है ना कि मैं सही से दिखाई नहीं पाऊंगी कि इसकी लुक कैसी है। ओके, कुछ प्रोडक्ट फिर भी हमारे पास होते हैं एक्सएल और डबल एक्सएल वाले, तो मैंने सोचा है कि इसमें डाल दूं। एंड कुछ मैंने इसमें ना ड्रेस मटेरियल भी रखा है, ताकि अगर आपको ड्रेस मटेरियल लेना हो तो आप ले सकते हो। तो फर्स्ट जो है ना, ये रेड कलर की कुर्ती है, कुर्ती सेट है ना, फ्री साइज में है, आप देख सकते हो ये कुछ इस तरह की, इसकी लुक बहुत ज्यादा सुंदर है। एंड ये जो है ना डबल एक्सल वालों को भी आ जाएगी इजिली। एंड ये आपको फुल स्लीव मिलते हैं, आप देख सकते हो इस पे आपको फेक मिरर का वर्क मिलता है, बट बहुत ही ज्यादा सुंदर है गाइस, कलर इसकी इतनी प्रिटी है ना, मैं क्या बताऊं। एंड यहाँ से ना आपको स्लिट मिल जाती है इसमें, एंड इसकी लुक बहुत ज्यादा सुंदर है। मुझे ये कुर्ती ना बहुत दिनों से पसंद थी, जब मीशो पे आई थी ना तो मैंने झट से इसे ऑर्डर कर दिया था, मुझे बहुत ज्यादा अच्छे लगे थे। एंड यहाँ आप देख सकते हैं इसकी इनर है, बहुत ही अच्छी सी कुर्ती है। एंड बैक पोर्शन इसकी जो है ना, यहाँ आप देख सकते हो इस तरह के जरी वर्क आपको मिल जाएंगे इसमें, तो मुझे ये कुर्ती काफ़ी अच्छी लगी, हाईली रिकमेंड करूँगी। अगर आपको अच्छी लग रही हो आप भी ले सकते हो। मैंने इसे किसी वीडियो में दिखाया था पीछे पिनअप करके, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है। एंड इसके साथ आपको पैंट मिल जाती है, पैंट जो है ना आप देख सकते हो नीचे आपको इस तरह के जरी वर्क मिल जाएंगे पैंट में। एंड ये जो है ना क्रेप मटेरियल में इस तरह की इलास्टिक मिल जाती है आपको, तो मुझे ना ये वाली सेट काफ़ी अच्छी लगती है। अगर आपको भी अच्छी लग रही हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, या फिर मेरी ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट जो कुर्ती है ना गाइस, वो कुछ इस तरह की ग्रीन कलर में है, एंड इसके स्लीव्स आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी है, इस पर आपको गोल्डन प्रिंट मिल जाएंगे। एंड ये क्रेप एंड जॉर्जेट के कॉम्बिनेशन में है, आप देख सकते हो यहाँ भी आपको इस तरह का मिल जाता है। इसमें जो मेरी साइज़ है वो एम है, बट जिनकी साइज एस है ना उनको भी ये आ जाएगी, एंड जिनकी साइज एम है उनको भी ये आ जाएगी। एंड आप देख सकते हो इस तरह की है, बॉटम में आपको इस तरह का डिज़ाइन मिलता है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई ये कुर्ती। मुझे ये कुर्ती बहुत ज़्यादा पसंद थी, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे पास ये कुर्ती दो हो गई है, तो इसलिए मैं एक को रीसेल कर रही हूँ एंड एक अपने लिए रख रही हूँ। ओके, तो ये कुर्ती थी। नेक्स्ट जो दिखा रही हूँ गाइज, ये कुर्ती सेट है, कॉटन कुर्ती सेट है। एंड इसकी जो पैंट है ना, वो आप देख सकते हो कुछ इस तरह की कॉटन में है, प्लाजो है ये, इस तरह से बहुत ही अच्छी है ये। इसमें आप देख सकते हो इस तरह की इलास्टिक मिल जाती है आपको, जो भी कॉटन पहनना पसंद करते हैं ना, अभी समर्स है तो कॉटन ही चलेगी, तो आप ले सकते हो इसे। इसमें आपको कॉटन दुपट्टा मिलता है रेड कलर में, इस तरह से दुपट्टे की विड्थ ज़्यादा नहीं है, बट इसकी जो लेंथ है ना वो काफ़ी अच्छी, इस तरह के टेसल्स मिल जाते हैं साइड से। इसमें जो साइज़ है ना वो एम साइज़ है, और आप देख सकते हो ब्लैक एंड रेड के कॉम्बिनेशन में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही है, आप देख सकते हो इस तरह की हैं।
सी, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। सिल्वर कलर की इसमें गोटा पट्टी लगी हुई है। एंड ये जो है ये फ्रॉक डिज़ाइन में आप देख सकते हो इस तरह से है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है। इसे भी मैंने किसी हॉल वीडियो में शेयर किया था, लिंक डाल दूंगी मैं नीचे, आप देख लेना। नेक्स्ट जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ ये कुर्ती प्लाजो का सेट है। एंड ये जो सेट है ना मैंने बहुत पहले दिखाया था, लाइक नवंबर में ही मैंने दिखाया था। एंड उसके बाद तो ये मीशो पे बेस्ट सेलर ही बन गई थी, बट उस वक्त किसी ने भी नहीं दिखाया था, मैंने फर्स्ट इसे दिखाया था। एंड उस वीडियो पे मेरे 1 लाख प्लस व्यूज़ भी है, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी भी हुई कि चलो कुछ अच्छा दिखाया तो मुझे व्यूज़ भी अच्छे मिले, मतलब काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स मिले थे मुझे। तब मैं यूट्यूब पर भी काफ़ी न्यू थी तो मुझे अच्छा लगा था उस वक्त। उसमें मैंने ट्राई ऑन सूट किया था, उसके बाद से ये पड़ी हुई है, तो मैंने सोचा चलो इसे रीसेल कर देते हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों को पसंद है। एंड इसकी प्राइस जो है ना तब से कम ही नहीं रही है मीशो पे, मैं भी चेक कर रही हूँ बार बार, ये नहीं कम हो रही है। तो मैंने सोचा चलो कुछ कम करके मैं डाल देती हूँ, मे बी जिनको पसंद हो उनको हेल्प मिल जाएगी। तो ये इस तरह की पैकेजिंग में आई है एंड आप समझ गए होंगे मैं क्या दिखा रही हूँ। इसमें आपको इस तरह की कुर्ती मिल जाती है फ्रंट स्लिट के साथ, आप देख सकते हो इस तरह से। एंड इसमें जो साइज़ है वो एल साइज़ है, आप देख सकते हो इस तरह से है ये। एंड यहाँ आपको इस तरह की स्लीव्स मिल जाती है, बहुत ही सुंदर कुर्ती है। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में बताना इम्पॉर्टेंट ही नहीं है क्योंकि मैंने बहुत डिटेल में रिव्यू किया था एंड मुझे बहुत ज़्यादा पसंद भी आई थी। मैंने एक कुर्ती और उसमें दिखाया था जिसकी मैंने जम के बुराई की थी क्योंकि वो जो प्राइस थी ना उसको जस्टिफाई नहीं करती, बट इसके बारे में मैंने बहुत अच्छी चीज़ें बताई थी। एंड वाकई में ये बहुत अच्छी, बहुत सारे लोगों ने इसे लिया। एंड आज के टाइम पे तो ऐसी कोई चैनल ही नहीं है जिसपे आपको इसकी रिव्यू नहीं मिलेगी। देख सकते हो इसकी जो प्लाजो है ना कुछ इस तरह की है, एंड प्लाजो की बॉटम में आप देख सकते हो इस तरह का वर्क, जैसी आपको बाजू पे मिलती है ना बिल्कुल वैसी जॉर्जेट में है। एंड आपको इनर भी मिल जाता है इसमें, एंड यहाँ आपको दुपट्टा भी इसके साथ मिलता है। तो अगर आपको अच्छी लग रही हो ना लेना हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। सो गाइज नेक्स्ट एंड लास्ट जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ इस वीडियो में वो है एक ड्रेस मटेरियल। एंड ये भी जैसी थी ना बिल्कुल वैसी पड़ी हुई है, क्योंकि ड्रेस मटेरियल है, मैंने पहनकर दिखाया नहीं था क्योंकि ड्रेस मटेरियल क्या पहनकर दिखाऊंगी, बिल्कुल वैसी ही रह गई। वैसे क्या होता है ना जब भी हम लोग कुछ प्रोडक्ट लेते हैं हॉल्स के लिए तो हमारे आसपास के कुछ लोग ले लेते हैं, जैसे साड़ियाँ होती वो जल्दी निकल जाती है, ड्रेस मटेरियल जल्दी निकल जाते हैं, कुर्ती प्लाजो भी निकल जाते हैं, बट कुछ प्रोडक्ट होते हैं ना वो नहीं निकलते, जैसे कि ये वाली ड्रेस मटेरियल है वो नहीं निकल पाई थी। तो मैंने सोचा था चलो मैं खुद ही स्टिच करवा लूँगी, बट क्या होता है ना कि वो लास्ट प्रोडक्ट नहीं, उसके बाद और भी आते रहते हैं, उनमें से कुछ अच्छा लग रहा है तो पहन लिया, फिर जो लास्ट पीछे रह गया ना वो रह ही जाते हैं। तो उसी तरह से ये वाली ड्रेस मटेरियल भी रह गई। एंड बहुत सारे ड्रेस मटेरियल मैंने स्टिच भी करवाया मीशो से जो मैंने लिया है, बट उसे मैं पहन नहीं पाई हूँ अभी तक। जितने मन से मैंने स्टिच करवाया ना वो बिल्कुल ऐसी पड़ी हुई है, मैं नहीं पहन पा रही हूँ। तो इसे मैंने सोचा कि स्टिच करके रखने से अच्छा है कि रीसेल कर दूँ, अगर किसी को अच्छी लग रही हो तो वो कम प्राइस में मेरे से ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह की ड्रेस मटेरियल है, एंड इसकी लुक काफ़ी रिच थी, काफ़ी रिच, मैं आपको बस दिखा रही हूँ। ये आप देख सकते हो कुछ इस तरह की है, एंड इसकी जो वर्क है ना बहुत ही हेवी वर्क है। इसमें आप देखो बॉटम में इस तरह का वर्क है, सी इस तरह के वर्क आपको मिल जाते हैं बॉटम में। एंड ये सेमी स्टिच है, इसे आपको अपने साइज में स्टिच करवानी होगी। जॉर्जेट मटेरियल में है ये, आप देख सकते हो इस तरह से है, इसकी लुक काफ़ी प्यारी है। मैंने इस वीडियो में ना बस अपने बॉडी पे यूं रखकर आपको दिखाया था ताकि एक लुक आपको समझ में आ जाए कि ये किस तरह से लगेगी, बट आप चाहो तो ले सकते हो, ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर है सी इस तरह से। ये वाली पोर्शन जो है ना आपको मिड में आएगी, एंड यहाँ से आपको स्लिट मिल जाएगी। इसमें आपको बॉटम वेयर के लिए भी मिल जाता है कपड़ा, जो आप बॉटम सिलवाना चाहो ना, आप बॉटम सिलवाओगे ना उसके लिए भी आपको बहुत ज़्यादा कपड़ा मिल जाता है। एंड इसकी लुक आप देख सकते हो बिल्कुल इस तरह से ये सिलने के बाद होगी, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। बट इसको रीसेल करने का यही रीज़न है कि मैं हर चीज़ नहीं पहन सकती इतने ज़्यादा, तो इसकी जो रीसेलिंग प्राइस है ना यहाँ डाल दूंगी मैं, मीशो प्राइस मैं यहाँ डाल दूंगी, तो आप देख लेना। अगर आपको अच्छी लग रही हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, एंड जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करना क्योंकि बहुत सारे लोग देखते हैं वीडियो, जल्दी प्रोडक्ट निकल जाते हैं फिर मुझे अच्छा नहीं लगता बोलने की यार ये नहीं है ये निकल गई। ओके गाइज मेरी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, एंड मिलती हूँ मैं नेक्स्ट हॉल वीडियो में, तब तक के लिए कीप ऑन वॉचिंग।